सीपेज एनालिसिस। सीपेज फोर्स जो होते हैं आई जेड गामा वाटर ए के इक्वल होते हैं। सीपेज प्रेशर जो होते हैं एच गामा वाटर के इक्वल होते हैं, जो कि आई जेड गामा वाटर के इक्वल भी होता है। स्पेसिफिक सीपेज फोर्स, तो सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम को ही बोलते हैं स्पेसिफिक सीपेज फोर्स, जो कि आई गामा वाटर के इक्वल होता है। सीपेज प्रेशर्स, सीपेज प्रेशर जो होते हैं ना ऑलवेज इन द एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो के डायरेक्शन में हमेशा एक्ट करते हैं। सीपेज के कारण इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि सीपेज जो है ना वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा होगा सीपेज तो उस केस में इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा होगा अगर सीपेज तो उस केस में इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज करता है। क्विक सैंड कंडीशन, जिसको बॉयलिंग फ्लोटिंग कंडीशन भी कहते हैं, तो होता क्या है कि अगर सीपेज अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो वैसे कंडीशन भी अराइज कर सकते हैं तब जब सीपेज जो प्रेशर होंगे वो जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उसके सबमर्ज्ड वेट के इक्वल या उससे एक्सीड कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के साथ चले जाते हैं, ठीक है। तो उसी कंडीशन को कहते हैं क्विक सैंड कंडीशन या बॉइलिंग कंडीशन या फ्लोटिंग कंडीशन। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जो कि जी माइनस वन बटा वन प्लस ई के इक्वल होता है, तो ये ऐसा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है जिस पे क्विक सैंड कंडीशन अकर करता है। इस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को बोलते हैं पाइपिक ग्रेडियंट या फ्लोटिक ग्रेडियंट या ब्रस्टिक ग्रेडियंट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आई सी बटा आई के इक्वल होता है, आई इज इक्वल टू वन होता है फॉर सैंड एंड सिल्ट व्हेन जी इज इक्वल टू 2.65 होता है एंड ई इज इक्वल टू 0.65 होता है। क्विक सैंड कंडीशन जो होता है ग्रेवल और क्ले के केस में अकर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि कोहेसिव सॉइल के केस में क्या होता है इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो के इक्वल नहीं होते हैं। इसके जो इफेक्टिव स्ट्रेस होते हैं वो जीरो होते हैं, उसके बावजूद भी जो उसके शियर स्ट्रेंथ होते हैं वो जीरो नहीं होते हैं, क्योंकि जो शियर स्ट्रेंथ होते हैं सी प्लस सिग्मा इन टेन फाइव के इक्वल होते हैं, तो ये जो पोर्शन है वो जीरो हो जाएंगे लेकिन सी जगह जीरो नहीं होंगे। इसके कारण क्या होगा, इसमें क्विक सैंड कंडीशन का जो कंडीशन होगा वो अकर नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो जीरो नहीं होगा। ये कंडीशन कब होता है, फाइन सैंड या सील्ड के लिए कंडीशन होता है। कोर्स सैंड या ग्रेवल जो होते हैं उस केस में क्या होता है, जो डिस्चार्ज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए जो आईसी होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते हैं। इसके कारण इस केस में क्या होता है, आपका पाइपिंग नहीं होता है। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एच बटा स्मॉल एच बटा कैपिटल एच इज इक्वल टू जी माइनस वन बटा वन प्लस ई। लैपलाइज इक्वेशन एंड फ्लो नेट। सीपेज इन द 2D कैन बी एनालाइज बाय द यूजिंग लैपलास इक्वेशन। लैपलास इक्वेशन का यूज़ करके 2D में सीपेज को एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जब मीडियम आइसोट्रॉपिक होता है तो उस केस में d2h/dx² + d2h/dy² = 0 होता है। नॉन आइसोट्रॉपिक के केस में kx(d2h/dx² + ky(d2h/dy² = 0 होता है। लैपलास इक्वेशन का जब सोल्यूशन करते हैं ग्राफिकल मेथड के से तो इसका जो सोल्यूशन आता है वो फ्लो नेट देता है। अब फ्लो नेट क्या करता है, इट रिप्रेजेंट द डिस्क्रिप्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन एंड द स्ट्रीम लाइन। फ्लो नेट के केस में कुछ एजम्पशन कंसिडर करते हैं। एजम्पशन क्या होता है कि जो डार्सी लॉ होता है ना इस केस में वैलिड होता है, और डार्सी लॉ तब भी वैलिड होता है जब फ्लो जो होते हैं नैनीताल होते हैं और जो सॉइल होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। फ्लो फ्लूड जो होते हैं ना और सॉइल सॉलिड जो होते हैं ना वो इनकम्प्रेसिबल कंसिडर किया जाता है इन द एनालिसिस ऑफ द फ्लो नेट। मीडियम जो होते हैं वो होमोजेनियस होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो नेट, तो फ्लो नेट का कुछ प्रॉपर्टी है, तो होता क्या है कि जो इक्विपोटेंशियल लाइन होते हैं और स्ट्रीम लाइन होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और फ्लो लाइन के एक्रॉस कोई फ्लो नहीं होता है। वेलोसिटी जो होता है इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर होता है। फ्लो चैनल जो होता है ना एरिया बिटवीन द टू फ्लो लाइन, तो दो फ्लो लाइन के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, फ्लो चैनल बोलते हैं। और सारे चैनल से जो डिस्चार्ज पास करते हैं वो सारे सेम होते हैं। दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में, दो कंजिक्यूटिव इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में जो हेड लॉस होते हैं वो सेम होते हैं। इस हेड लॉस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल ड्रॉप।
फ्लो फील्ड, तो एरिया बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल लाइन एंड टू स्ट्रीम लाइन या फ्लो लाइन, दो इक्विपोटेंशियल लाइन और दो फ्लो लाइन के बीच में जो एरिया होता है उसी को बोलते हैं फ्लो फील्ड। फ्लो फील्ड स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। आइसोट्रॉपिक मीडियम के केस में स्क्वायर होता है, और जो स्क्वायर होता है वो लीनियर या कर्वलीनियर हो सकता है। रेक्टेंगल नॉन आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए रेक्टेंगल होता है, और जो रेक्टेंगल है वो लीनियर या कर्वलीनियर हो सकता है। फ्लो नेट जो होता है ना वो गिवन बाउंड्री कंडीशन के लिए यूनिक होता है। डिस्चार्ज क्वालिटी होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू इंटू एन एफ, ये नंबर ऑफ फ्लो चैनल होता है, और डेल्टा क्यू जो होता है ना एक फ्लो चैनल से कितना डिस्चार्ज पास कर रहा है वो होता है।